रजिस्टर्ड नई दिल्ली की ओर से ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान और समाज सेवी विकास सिंगला को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एवं प्रभारी हरियाणा प्रदेश के पद पर नियुक्त किया गया। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार लाटका एवं राष्ट्रीय महामंत्री राधेश्याम सेरेवाला ने नियुक्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार लाटका और राष्ट्रीय सचिव सुशील गोयल की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया। अम्बाला से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा और अमित तिवारी की रिपोर्ट। मैं प्रधान ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी अम्बाला। जी सर, कल मुझे एक नई जिम्मेवारी मिली है और मुझे संयुक्त राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है अग्रवाल समाज चेतना फाउंडेशन का, और मुझे उसके अंदर हरियाणा का प्रभारी भी बनाया गया है। तो मैं इसके अंदर अपनी ये जिम्मेवारी समझते हुए इसके अपने समाज के लिए और सभी अग्रवाल बंधुओं के लिए एक अच्छी, इन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई का एक प्रयोजन रखा है उसके अंदर, तो मैं उसके अंदर कार्य करूँगा और अपनी जिम्मेवारी को एक अच्छी तरह से निभाऊँगा। और ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी को आज एक नई बुलंदियों पर है और उसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए मैं सदैव अपने कार्य से तत्पर रहूंगा। कोई नवी परियोजना वगैरह भी बनाई है आपने इसके लिए, आगे अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी में? अभी कोरोना काल चल रहा है, उसके अंदर हम हर रोज कोई ना कोई योजनाएं प्रोजेक्ट में लेकर आते हैं और उनको पूरा करते हैं। तो ये सामाजिक संस्था है और एक व्यापारियों का भी एक संगठन है, तो इसके अंदर से हर तरह की सोशल एक्टिविटी और व्यापारियों की बात को हम हमेशा उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे। आपने देखा विकास सिंगला जी ने एक तो उनको नवी जिम्मेदारी दी गई और कार्यभार संभाला उन्होंने। हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस से राजेश शर्मा, अमित तिवारी की खास रिपोर्ट।